So I've designed a very beautiful diet plan for you. I hope you like it and all the audience, they like it. बताइए क्या है? So let's start. ये हमारा diet plan है और 40 days आप इसको follow करेंगी कि 40 days के बाद आपकी body as a structure हेल्दी और फिट आपके सामने हो आपकी फैमिली के लिए और उसके बाद आप अपने जॉब पे अपने वर्क पे एक मजबूती के साथ एक एज अ मजबूत औरत आप जा सकें. ठीक है, उसमें हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करेंगे. अच्छा, 5 मील्स हम आपको दे रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ. और हर मील में आप देखें कि पहले वाटर मेंशन है. ठीक है, वाटर इसलिए कि आप हाइड्रेटेड रहें. ठीक है, हमें अपनी स्किन की बहुत फिक्र होती है, लोग हमारा चेहरा ही देखते हैं, अंडर सर्कल्स पर जाते हैं, बच्चे के साथ रात भर जाग रही होती हैं आप बार बार. अभी मैं देख रही थी आप माशाल्लाह फीड कराती हैं, आई अप्रिशिएट दिस कि मदर्स फीड अपना करा. मुझे बहुत अच्छा लगा कि शोबिज की जो खवातीन होती हैं वो मतलब इस तरह नहीं होती हैं. आप ये पूछ सकते हैं माशाल्लाह ये भी शोबिज में है, मैंने भी अपने बच्चों को फीड कराया. बहुत सारी ऐसी माएं हैं, आपको मैंने पूरा देखा है ना, आई सॉ हर, आई अप्रिशिएट दिस थिंग. तो इसमें आपको हाइड्रेट भी अपने आप को रखना है ना, जितना अच्छा आप अपने आप को रखेंगे आपके मिल्क की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी और अंडर सर्कल्स नहीं होंगी. तो हर फीड से पहले और हर मील से पहले आप पानी पहले पी लें. अच्छा, उससे आपकी एपिटाइट भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी क्योंकि थोड़ा सा जो आपका पानी है वो पेट भी कवर कर. और वाइट ब्रेड को आप हटा के यू विल रिप्लेस इट विद ब्राउन ब्रेड, उसमें एग लें. वैरायटी के लिए ऑल्टरनेट डेज पे मैंने सीरियल रखा है. अच्छा, हर वक्त टोस्ट और एग से यू गेट फेड अप. हाँ, तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेके आए. किस तरह के सीरियल आप कहती हैं? आप ओट सीरियल लेके आए, आप बार्ले सीरियल लेके आए और उसमें शुगर ना डालें, उसको पानी में गलाएं और एंड में आप उसको उसके अंदर मिल्क डालें. अच्छा, बिल्कुल उसको दूध के अंदर कुक ना करें. डाल सकती हैं नट्स भी, डाल सकती हैं फ्यू नट्स, उसमें बादाम और वॉलनट्स डालें, कैशू नट्स ना डालें, उसकी कैलोरीज ज्यादा होती हैं. चाय मैं सुबह अलाउ कर रही हूँ. अच्छा, कभी कभी आप महसूस करेंगी कि बच्चा बहुत इरिटेबल हो रहा है, उसकी वजह यह होती है कि हम चाय कॉफी इस वक्त में बहुत ज्यादा पीते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि हम बहुत फ्रेश रहें. उसमें कैफीन होती है क्योंकि हमारी नींद भी पूरी नहीं होती, तो हम जाके और ज्यादा चाय पी लेते हैं और हमें ये नहीं समझ में आता कि व्हाई द बेबी इज क्राइंग अ लॉट. द रीजन इज कि वी टेक टू मच ऑफ टी एंड कॉफी, उसको नहीं लेना. हाँ, तो वो आपका बच्चा नहीं आपको परेशान करेगा. आप ग्रीन टी ले लें, आप स्विच कर लें, आप ग्रीन टी की तरफ चले जाएं. ठीक है, और एक चाय लें, बिल्कुल चाय बंद कर देंगे तो हेडेक्स हो जाएंगे. एग्जैक्टली. ठीक है, फिर मिड मॉर्निंग में आप आए, यहाँ पे देयर आर 3 ऑप्शंस. या आप फ्रूट ले लें, या आप कुछ नट्स ले लें, फ्यू नट्स, और या आप वीट बिस्किट्स ले लें. अच्छा, ठीक है, ज्यादा देर अपने आपको भूखा नहीं छोड़ना, भूखा नहीं छोड़ना. अच्छा, बिल्कुल बनाना को खत्म भी नहीं करना. द रीजन उसमें पोटेशियम है, हमारा मसल बहुत डैमेज होता है. बनाना को खत्म क्यों करें? मतलब बनाना की कैलोरी ज्यादा है तो माइंड में ये होता है कि हमें वेट लॉस की तरफ जाना है तो बिल्कुल केला खाना छोड़ दो, वेट गेन हो जाएगा. नहीं, क्योंकि इतने प्रोसेस से गुजरे, अब आपकी बॉडी हीलिंग स्टेज में है, उसको हमें हील भी करना है. आप माशाल्लाह माँ बनी है, यू आर गोइंग थ्रू this process. So take a banana, maybe on alternate days. और दिन के time पे आपका metabolism तेज है, तो you can go for it. ठीक है? अच्छा, लंच में आपने पहले पानी लिया और पहले एक बोल ऑफ फ्रेश सैलेड लें और उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स लें. सही. जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगी आपकी स्किन फ्रेश रहेगी. ठीक है, आप थकावट महसूस कर रही हैं. अच्छा, उसके अंदर जो है अगर आप सूप उसके बाद लेती हैं तो दाल का सूप ले लीजिए और उसमें पालक ऐड कर. ठीक है, पालक गुड फॉर योर बेबी, विटामिन ए है, प्लस आपको आयरन मिलता है. पालक है? हाँ, वेजिटेबल्स बहुत अच्छा खाती हूं. अगर खा लेती हैं तो बहुत अच्छा है. और दाल के सूप में ऐड करेंगी थोड़ा सा पालक तो वो जो पालक वाला आपको बैड टेस्ट अगर महसूस होता है वो भी नहीं होता. अच्छा डॉक्टर आयशा, कौन कोई ऐसी चीज बताएं कि जिस जो अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो वो चीज आप खाएं कि आपको तो कैलोरीज ना लगे लेकिन वो कैलोरीज बच्चे को लग जाए, बच्चा गपलू हो जाए. उसके लिए ये है कि आपको वो कैलोरीज ना लगे, आप अपनी मेटाबॉलिज्म को तेज करें. ठीक है, तो आप वो एक्सरसाइज में उसको कवर कर सकते हैं. आपने 150 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है इन अ वीक. अच्छा, ठीक है, 150 मिनट्स की आप कैलकुलेशन करें तो जो कुछ आप खा रहे हैं वो आपके बेबी को लग जाएगा और आप वॉक के जरिए उसको कवर कर, तो आपकी डाइट है. प्लस ये है कि आपने 1-2 टेबल स्पून
देसी घी या बटर जरूर लेना है. इसको आपने माइनस नहीं करना. क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट विटामिन, विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन. आपने बिल्कुल घी या बटर, हम कहते हैं कि ऑयल्स को बिल्कुल खत्म कर दें, नो डोंट डू दैट. वरना आपकी आप फील करेंगी कि विंटर्स हैं, स्किन बिल्कुल रफ हो रही है, ड्राई हो रही है, आपने तेल खत्म कर दिया बिल्कुल हर चीज. तेल की मसाजेस तो जरूर करानी चाहिए, जरूर मसाज तो होना चाहिए, मतलब बेबी के बाद तो बहुत ज्यादा. वैसे तो मैंने तो उससे भी पहले शुरू कर दी थी कि जरा आपकी हड्डियां ताकतवर रहती हैं. अच्छा, ऑलिव ऑयल से करानी चाहिए. ऑलिव ऑयल बहुत बेस्ट है. ये बताई थी अलसी का तेल भी, अलसी का तेल बहुत अच्छा है. अच्छा, इसके अंदर आप सरसों का तेल मिक्स कर सकती हैं. इन इस मौसम के अंदर आप 2-3 ऑयल्स का मिक्सचर, जैसे अभी डॉक्टर बिल्किस ने बताया, आप बना के रखें और करवाएं. आप हीलिंग फेज में हैं, आपके मसल टिश्यू सब डैमेजेस के अंदर हैं. जितना आप करेंगी और साथ में एक्टिविटी जरूर रखें, नींद जरूर पूरी करनी है. आपका बच्चा जिस वक्त सोए आप उसके साथ ही सोए, और ऐसा होता नहीं है. अच्छा, ये काम कर लूं मैं, जरा ये सोचती है माँ, शुरू में तो यही होता है लेकिन बाद में फिर काम याद आ रहे होते हैं तो नींद भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती. अच्छा, शाम में हम पहुंचे हैं, पानी हमने पहले लिया. और दिन में अगर हमने फ्रूट्स नहीं लिए तो यहाँ पे ले लें, या फिर ये कि दिल करता है कोई चटपटी चीज खाने को. अच्छा, मेटाबॉलिज्म सर्दियों में तेज करने का बेहतरीन चीज तरीकाकार यह है कि आप स्पाइसेस डाल लें अपने खाने में. आप खटास भी डाल सकती हैं, स्पाइसेस भी डाल सकती हैं. आपका मेटाबॉलिज्म, बच्चे के पेट पेट में तो कुछ नहीं होता. कहते हैं कि अच्छा फलाना अमरूद खाओगे तो उसके उसके अमरूद के बीज की वजह से जो है आपको दर्द होगा, आपके बच्चे के पेट में दर्द होगा, चने की दाल खाओगे तो ये क्या मिथ है, ये क्या दर्द होता है. हाँ, जो नहीं खाना ना वो भी बता, वो भी खाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. जो हार्ड वाली दालें हैं, जैसे उसमें चने की दाल है, ठीक है, और उसमें जो जिसके सीड्स हैं वो आप जरूर निकाल लें फ्रूट्स के, ठीक है, और डे टाइम पे आप उसको रखें. और उसके बाद आपने थोड़ी सी वॉक कर ली तो वो चीज आपकी कवर हो जाती है. एंड प्लस बेबी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, ठीक है. जो भी चीज आपने खाई, वन थंब रूल, अगर आपको फील होता है कि ये चीज आपने खाई और उसके बाद थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है तो फिर आप उस चीज को माइनस कर दें. लेकिन खाएं सब कुछ, आप अपने साइकोलॉजिकली अपने आप को कंफर्टेबल रखें. अच्छा, दूध का जो इंटेक है वो ट्वाइस अ डे होना चाहिए, एक ग्लास सुबह. हाँ, ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस. हाँ, एक रात को सोने से पहले और एक दिन के टाइम पे, ठीक है. जब आपको भूख लगे तो राधर देन आप कोई बेकरी स्टफ लें या कुछ लें, आप दूध पी लिया करें या फ्रूट्स खा लिया करें. ऑरेंजेस आए हुए हैं, दे आर फुल ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी का इंटेक बेहतरीन रखें, उससे आपकी स्किन ग्लो करेगी. अच्छा, इस मौसम में जो आफ्टर डिलीवरी प्रॉब्लम रहती है वो हेयर लॉस की रहती है. एंड एवरीवन इज वरीड के बच्चा वो शुरू करता है तब तो और ये हम और ये बात वाकई है कि हेयर लॉस होता है क्योंकि माँ इतने प्रोसीजर से गुजरी होती है एंड ऑल दैट ट्रबल, तो हेयर लॉस है. तो अपनी डाइट आप अच्छी रखेंगी, पानी का इंटेक, नींद का इंटेक, हेयर लॉस नहीं होगा. ऑयलिंग भी आप साथ में रखें लेकिन फोकस शुड बी योर डाइट. तो आप ऑरेंजेस ले लें, आप फ्रूट्स ले लें. अच्छा, दूध के साथ साथ आपने योगर्ट का इंटेक भी अच्छा रखना है. कैल्शियम जितना आपके अंदर जाता है, आप दूध के जरिए, आप दही के जरिए, तो आपको कैल्शियम आपकी बोन्स को स्ट्रांग करेगा, ठीक है. तो आप जितनी आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी, आप अपने पांव पे और इसमें बेसिक मिस्टेक्स जो हैं वो मैं एंड में बताती हूँ, डिनर फिनिश कर लूँ. पानी के बाद रायता है, ठीक है. अच्छा, ये स्वैप हो सकता है, लाइक दिस डिनर कैन गो ओवर टू द लंच एंड लंच कैन कम ओवर फॉर द डिनर. आप नहीं उस वक्त आपकी अवेलेबिलिटी, आप स्वैप कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे मैंने चपाती रखी हुई है विच इज ब्रान, यानी कि चक्की का आटा, सफेद नहीं, तो आपको फाइबर मिल जाएगा. घर में कौन सा आटा खाया जाता है, मतलब लाइक चक्की का? हाँ, चक्की का. हमारे घर में भी चक्की के आटे की रोटी. बिकॉज कॉन्स्टिपेशन इज द मेन इशू, यानी कि कब्ज, वो नहीं होनी चाहिए. तो आपने ब्रांड चपाती लेके आए, 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि मेजर पार्ट है आपका. उसमें ये जो सर्दियों का मौसम है, वैसे भी मछली खाने को दिल करता है. फिश ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उससे आपके बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी. आप लें, ठीक है, इट्स गुड फॉर यू ऑफकोर्स एंड गुड फॉर योर बेबी. तो फिश का इस्तेमाल करें. और आजकल वैसे भी दिल कर रहा है कि मछली खाएं, यू नो, दिल भी कर रहा है, इतना इतनी सर्दी है, बहुत हेल्दी. तो और सोते वक्त आपका जो है, रात को सोने से पहले आपने, अब आ जाते हैं कि डोंट्स. डोंट्स में आपके बेकरी आइटम्स, कॉफी, उससे आप बचें. कॉफी से बिकॉज देखें कैफीन आपके अंदर जाएगी, आप बहुत अच्छा फील करेंगी, आपका बच्चा बार बार रोएगा एंड देन यू विल बी स्केयर्ड कि इसको क्या हो रहा है, ये क्यों परेशान हो रहा है, क्या चक्कर है, क्योंकि वो इरिटेट. कोल्ड ड्रिंक्स से बचें, फ्रिजी ड्रिंक्स अगेन, कैफीन जाएगी,
जाएगी, आपका बेबी आपको डिस्टर्ब करेगा, ही मेक यू फील वेरी इरिटेटिंग. तो ये चीज़ बेकरी आइटम्स, आप उससे बेहतर है कि आप एक बोल ऑफ फ्रेश फ्रूट्स रखें.